न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, पीएन घाटी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, अभिनव गिनी हाउस। आसनसोल नगर निगम चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने लगाया जोर, सातोड़िया समेत कई जगहों में की सभा। आसनसोल में शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा कि अब तक नंदीग्राम की हार नहीं पचा पा रही मुख्यमंत्री। नंदीग्राम में 1956 वोटर हार हजम करते पाछेन ना। गुरुवार से खुले स्कूल कॉलेज, लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में दिखी खुशी की लहर। रेलवे प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटाने की नोटिस दिए जाने के बाद दुर्गापुर और अंडाल में दुकानदारों का प्रदर्शन। आसनसोल नगर निगम चुनाव में अब मात्र कुछ दिन बाकी रह गए हैं। अब प्रचार के अंतिम कुछ दिनों में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार रही है। गुरुवार को बीजेपी नेता और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आसनसोल पहुंचे, यहां पार्टी प्रत्याशियों के लिए सभा की और रोड शो भी किया। उन्होंने वार्ड नंबर 105 की पार्टी प्रत्याशी इंद्राणी आचार्य के लिए पैदल ही रोड शो किया। वे नेताजी मोड़ से लेकर सातोड़िया तक गए। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के विधायक लखन घरोई और डॉक्टर अजय पोद्दार समेत अन्य नेता मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को देखने के लिए काफी लोग रोड के दोनों किनारे खड़े थे और नारे लगा रहे थे। शुभेंदु का ये जुलूस पुलिस और उनके सुरक्षा कर्मियों की कड़े पहरे में निकाला गया था। शुभेंदु ने इसके बाद पार्टी प्रत्याशियों के लिए एक सभा भी की। उन्होंने अपने भाषण में राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए चुनाव में धांधली की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों की भी आलोचना की। बहुत दूर तक जाना चाहिए। एक ही नाम, समवेत भद्रमंडली আপনারা জানেন যে 250 জন শ্রোতা সমর্থক নিয়ে পথসভা করার অনুমতি এই কর্পোরেশন নির্বাচনে আছে। গত দুদিন আমি চন্দননগর কর্পোরেশনে একাধিক ওয়ার্ডে গৃহ সম্পর্ক অভিযান করেছি। স্ট্রিট কর্নার পথসভা 250 জন দর্শক সমর্থক নিয়ে আইন মেনে করেছি, কিন্তু এখানকার কমিশনারেট, এখানকার আইসি তোলামূল পার্টিকে ওয়েলিং করার জন্য, কারণ এখানে মধু পাওয়া যায়, কয়লা আছে, এখানকার আইসি পোস্টিং নিতে গেলে মিনিমাম 75 লাখ টাকা ভাইপোকে দিতে হয়, এখানকার সিপি পোস্টিং নিতে গেলে মাসে 2 কোটি টাকা ভাইপোর শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিতে হয়, তাই কুলটি মে কুচ কুচ অন্দর কি বাত চলতা হয়। ইসলিয়ে বিজেপি কা স্ট্রিট কর্নার করনে কা পারমিশন ইজাজত নেহি মিলা, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, जनता नरेंद्र मोदी जी का साथ है। शुभेंदु ने यहाँ सभा मंच के निकट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हालांकि शुभेंदु ने कहा कि चुनाव आयोग के कोरोना गाइडलाइन को मानकर ही ये सभा की गई है, लेकिन ये देखा भी गया कि सभा में जितने लोगों की होने की बात वे कह रहे थे उससे कहीं ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। चुनाव प्रचार में कम दिन रह जाने के कारण अब ये साफ दिख रहा है कि राजनीतिक पार्टियां ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनजर पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अब भी नंदीग्राम की हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है, यही वजह है कि वह बार बार कभी राज्यपाल तो कभी केंद्र सरकार से उलझ रही है। मुख्यमंत्री नंदीग्राम में हार एखनो हजम करते पारेनी,
একটা মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে একজন আইপিএস অফিসারকে বলছেন রাজ্যপাল ফোন করেন কিনা। আমি কেন তো জানি মহামান্য রাজ্যপাল এই ধরনের কাজ করেন না। তাছাড়াও রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধান, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা যে কোনো জনপ্রতিনিধি মন্ত্রী আধিকারিক তাকে গভর্নরের অফিস থেকে যে কোনো বিষয় জানা যেতে পারে। পাবলিকলি যেভাবে তিনি করেছেন এটা এটার মধ্য দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে একটা আতঙ্ক ভয়ের মধ্যে তার মনের মধ্যে যে ফিয়ার সাইকোসিস কাজ করছে এটাতে সেটা প্রমাণ হয়েছে। আর আমি মনে করি একটা স্পিকে দাঁড় করিয়ে বলে কোনো লাভ নেই, গোটা পশ্চিমবাংলায় আইন শৃঙ্খলার অবস্থাটা ওই জায়গায় গেছে, এর জন্য দায়ী হচ্ছে পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। পুলিশ যদি ব্যর্থ হয় তার ব্যর্থতার দায়ভার রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীকে নিতে হয়। আর তিনি বলেছেন তোমরা রাজ্যের আন্ডারে কাজ করো, হ্যাঁ রাজ্যে আইএস আইপিএসরা আইএফএসরা মানে ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস যারা কাজ করেন কিন্তু তারা ডেপুটেশনে কাজ করে, এরা সেন্ট্রাল ক্যাডার। সেই কারণেই ভারত সরকার উদ্যোগ নিয়েছে যে রাজ্য সরকারের কোনো এনওসি লাগবে না, আইএস আইপিএসদেরকে প্রয়োজন মতো কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং দেবে। এই আতঙ্কের জন্য মমতা ব্যানার্জি এক সপ্তাহে দুটো চিঠি লিখেছেন, শুনে রাখুন মমতা ব্যানার্জির ওই চিঠি কার্যকর হবে না। আগামী মার্চ মাসের শেষের মধ্যেই আইএস আইপিএস আইএফএসদের কেন্দ্রীয় সরকার সেন্ট্রাল ক্যাডার রুল অনুযায়ী তারা ট্রান্সফার পোস্টিং নিয়ে নেবে। অতএব এরা রাজ্যে ডেপুটেশনে কাজ করেন কিন্তু রাজ্যের আন্ডারে কাজ করেন নয়। একটা মুখ্যমন্ত্রী সব সময় অসত্য কথা, দাম্ভিকতা, অহংকার এটা দেখেন। আজকের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার পুলিশ দপ্তরের ভিতরে যে দৈন্যতা সেটা প্রকাশ পেয়েছে, আর তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুটা যে মাননীয় রাজ্যপাল আর বিরোধী দল নেতা এটাও প্রমাণ হয়েছে। মূল কথা হয়েছে নন্দীগ্রামে 1956 ভোটের হার হজম করতে পারছেন না কিন্তু ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে হেরেছি হেরেছি হেরেছি। গুরু গোপীরাম হসপিটাল এক মাল্টি স্পেশালিস্ট অস্পতাল, ইহা মিলেগি আপকো উন্নত চিকিৎসা সেবা, অনুভবী ডাক্তার, দোস্তানা মাহল আর সঠিক শুল্ক। আমারে ইহা ডায়ালিসিস কি সুবিধা উপলব্ধ হ্যায়। গুরু গোপীরাম মে উপলব্ধ হ্যায় 24 ঘন্টে এমার্জেন্সি সেবা, দূসরো সে এক অলগ অস্পতাল। গুরু গোপীরাম হসপিটাল, বিশ্বকর্মা নগর, সীতারামপুর, কুলটি। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारें हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU,
डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, यूएसजी, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के मुताबिक गुरुवार से सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। अभी केवल 8वीं से लेकर सभी ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हुई है। पूरे आसनसोल शिल्पांचल के सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, बहुत दिनों के बाद चहल पहल देखी गई। स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि लंबे समय से वे पढ़ाई और स्कूल के माहौल से वंचित थे। गुरुवार को स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन मानकर शिक्षण व्यवस्था की गई थी। आसनसोल के धतका एनसी लहड़ी स्कूल के छात्र छात्राओं को स्कूल में चहकते हुए देखा गया। আমাদের রীতিমত নষ্টই হয়ে গেছে বললে চলে। তো এত বছর মানে 2 বছর পরে স্কুল খুলে মানে সত্যি মানে আনন্দের রীতিমত আমরা আত্মহারা হয়ে গেছি। আর আমরা চাই না যে আবার করে স্কুল বন্ধ হয়ে যাক, এভাবেই যেন চলতে থাকে। দারুণ লেগেছে, খুব খুশি স্কুলের জন্য। এতদিন কি করলেন বাড়িতে? এতদিন টিউশন পড়ছিলাম, বাড়িতে বসেছিলাম। এসে খুব ভালো লাগছে, কারণ 2 বছর পর স্কুলে আসছি। এমনিতে বাড়িতে মানে এতটাও ভালো ইয়ে হয়নি যতটা স্কুলে হয়। 2 বছর এমনিতে বাড়িতে পড়াশোনা করেছি, টিউশন পড়াশোনা করেছি, যেটুকু পেরেছি পড়াশোনা করেছি, কিন্তু স্কুলের মতো মানে কোনো কিছু নেই। वही इधर स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन को मानकर स्कूल खोला गया है, उम्मीद है कि अब स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आएगी। देखो আমাদের প্রথম তো যে ছাত্রছাত্রীরা একদম কোভিড প্রোটোকল মেনে তাদের বসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা ক্লাসকে ভেঙে আমরা 2টো ক্লাসে নিয়ে যাচ্ছি যাতে তাদের ডিসটেন্স মেইনটেইন হয়, এবং কোনো রকম কোনো ছাত্রছাত্রী তারা টিফিন অপরকে শেয়ার করতে পারবে না, কেউ কাউর জল অপরকে শেয়ার করতে পারবে না, এবং আমাদের গেটে ঢোকার টাইমে স্যানিটাইজ করা হয়েছে এবং স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এবং এই কোভিড মহামারী দেখার জন্য আমাদের স্কুল থেকে মাস্টারমশাইদের নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই 2জন মাস্টারমশাই তারা কন্টিনিউ ভিজিট করবে যেন ছাত্রছাত্রীরা কখনো মাস্ক না খুলে এবং তারা কোভিড বিধিকে মেনটেন করে চলে, এই দৃষ্টি তাদের থাকবে। आसनसोल मंडल रेल प्रशासन की ओर से रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से रह रहे लोगों एवं दुकानदारों को रेलवे की जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है और जगह को खाली करने के लिए कहा गया था। इसे लेकर जमीन पर रहने वाले लोगों ने अंडाल स्टेशन रोड से लेकर पोस्ट ऑफिस मोड़ तक रेलवे प्रशासन के खिलाफ पुनर्वास की मांग को लेकर रैली कर रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इनके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस नेता रूपेश यादव भी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन छोटे दुकानदारों को रेलवे द्वारा परेशान किया जा रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। उन्होंने कहा कि रेलवे की खाली पड़ी जमीनों पर ये दुकानदार अपना व्यवसाय चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो इनके परिवार को फाके करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में सबको रोजगार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यही वजह है कि इन दुकानदारों को बिना पुनर्वास के यहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। বললাম যে আমরা রেল প্রশাসন যখন ঠিক করে ফেলেছেন কিছু এদেরকে উৎখাত করেই মানবো, তো আমরাও ঠিক করে ফেলেছি যতক্ষণ না আমাদের পুনর্বাসন হচ্ছে উৎখাত করতে দিব না, তার জন্য যেটা করার আমরা করব। দেখুন রেল আইনের মারফত চিঠি দিচ্ছে, বলছে আইন দেখাচ্ছে, তো আইন তো শুধু রেলের জন্য নয়, আইনটা তো আমাদের জন্যেও আছে। ভারতবর্ষের সংবিধান বলে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিককে বেঁচে থাকার অধিকার আছে, সেই বেঁচে থাকার জন্যে আমরা রেলের প্রতি
পরিত্যক্ত জায়গার উপর যেখানে রেল ইউজ করছে না সেই জায়গার উপর আমরা দোকান করে কেউ ঠেলা লাগিয়ে কেউ আর কিছু করে নিজের পরিবারের ভরণ পোষণ করছি। সেই জায়গা রেল যদি আইন দেখায় তো আমাদের হাতেও আইন আছে, সংবিধান আছে, সেই সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনকে রেল কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের রোজগারের ব্যবস্থাটা আগে করতে হবে, তারপরে আমাদের উচ্ছেদ করুক, আমাদেরকে যেখানে যেতে বলবে চলে যাব। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना, हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं, हम देंगे आपको एक माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल, गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, लगता बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई वंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। की काली पहाड़ी खदान के निकट एक मैदान में बुधवार की शाम गोफ बन जाने से इलाके के लोगों में दहशत देखी जा रही है। हालांकि ईसल अधिकारियों को खबर दिए जाने के बाद गुरुवार को उस गोफ को मशीन के जरिए भर दिया गया, जहां गोफ बना था वहीं से कुछ मीटर की दूरी पर कई घर हैं। यहां रहने वाले लोग धसान को लेकर चिंतित हैं। कल यहाँ पर धसान हुआ था, हाँ। तो फिर आज भराटी करके गया, हाँ। अभी भी डर कितना है? डर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाल बच्चे हैं उसमें धस जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढा रह रहा है। तो ये कांड जो है हुआ है, ये तो पहला बार नहीं है। आसनसोल नगर निगम चुनाव प्रक्रिया के बीच वार्ड नंबर 14 के तृणमूल प्रत्याशी उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में कल्ला नीचूपाड़ा के लोगों ने गुरुवार को कल्ला अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि नीचूपाड़ा में रहने वाले लोगों के घरों से बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, पानी की आपूर्ति बंद की जा रही है, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उत्पल सिन्हा ने कहा कि हरिजन बस्ती के गरीब लोगों के खिलाफ जो काम हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो देश का गौरव का मोहम्मद बाजी लोग छह लोग लोग छह लोग
আমাদের এখানের 35 থেকে 40 জন আয়া তাদের সম্পূর্ণভাবে বরখাস্ত করেছে এই হসপিটাল। তাদের পেটে, তাদের রোজগারে, তাদের বাড়ির আগুন নিভিয়ে দিয়েছে আজকে সিপিএম এবং বিজেপির চক্রান্ত। আজকে আমরা দেখছি তাদের বাড়ির ইলেকট্রিক কাটা হচ্ছে, পানীয় জল কাটা হচ্ছে, তাদেরকে বস্তি থেকে সরে যেতে বলা হচ্ছে অন্যত্র। আজকে তার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস ময়দানে নেমেছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় যতদিন থাকবে ততদিন আমার হরিজন দলিত ভাইদের ওপর কোনো আক্রমণ আমরা হতে দেব না। নিউজ প্রহর কে প্রায়োজক হ্যাঁ গুরু গোপীরাম হসপিটাল, সুধা উদ্যোগ, সুধা হেলথ কেয়ার, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, চেস জুয়েলারি, পিএন ঘাটি, মিড ওয়েস্ট হসপিটাল এন্ড মেডিকেল ইনস্টিটিউট, আস্থা রেসিডেন্সি এন্ড ব্যাংকার্স, অভিনব গিনি হাউস।